तुम लोग रेडी हो ना, मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। ठीक है, ओके। ओहो, ये कार कितनी गंदी हो रही है, साफ करनी पड़ेगी। लाओ मैं कर देता हूँ, मुझे पैसों की सच जरूरत है। ये बच्चा तो अच्छे घर का लग रहा है, इसको पैसों की क्या जरूरत होगी, मुझसे पूछे बिना रहा नहीं जाएगा। अरे तुम्हें पैसों की जरूरत क्यों आ गई? क्योंकि कुछ लड़कों ने शराब पीकर मेरी मम्मी पापा का एक्सीडेंट कर दिया और मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। ये उस एक्सीडेंट की बात तो नहीं कर रहा जब 2 दिन पहले मैं घर आ रही थी और मैं रुकी नहीं थी उनकी मदद के लिए। क्या तुम मुझे अपने मम्मी पापा से मिलवा सकते हो? हाँ जरूर। आज डॉक्टर बोल रहे थे कि मेरे पापा भगवान जी के पास जाने वाले हैं। ये रही मेरी मम्मी। ये तो वही औरत है, उस दिन ये सबसे मदद मांग रही थी और कोई इसकी मदद नहीं कर रहा था, मैंने भी नहीं करी। जब तक तुम्हारी मम्मी ठीक नहीं हो जाती, तुम्हारी मम्मी के हॉस्पिटल का सारा खर्चा मैं करूंगी और तब तक तुम मेरे साथ रहना, ठीक है? ये मुझसे क्या हो गया, काश उस दिन मैंने इनकी मदद करी होती तो आज इसके पापा साथ होते। आज इस बच्चे के सर से इसके पापा का साया चला गया, इसकी माँ हॉस्पिटल में अपनी सांसें गिन रही है। इन सब की जिम्मेदार मैं खुद को समझती हूँ, क्योंकि अगर उस दिन मैंने इनकी मदद करी होती तो ये आज अपने मम्मी पापा के साथ होता। शराब पीकर गाड़ी चलाना बुरी बात है, लेकिन किसी की ज़रूरत के वक्त उसको छोड़ आना वो भी बुरी बात है।